कंप्यूटर के लाभ और हानि पर एक हिंदी निबंध। मनुष्य आरंभ से ही इतिहास को सहेज कर रखना चाहता है। उसने अपने द्वारा लिखित सामग्री को ताड़पत्रों, गुफाओं की दीवारों, चट्टानों, शिलालेखों आदि पर सहेज कर रखने का प्रयास भी किया है, परंतु उसके द्वारा लिखित अधिकतर सामग्री नष्ट हो गई है। जो कुछ भी बची हुई है वे इस दशा में है कि हमारे लिए अनुपयोगी हो चुकी है। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखकर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। मनुष्य के इस आविष्कार ने उसके कार्यों को सरल और प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। मनुष्य द्वारा कंप्यूटर की खोज ने एक नई क्रांति को जन्म दिया। कंप्यूटर में उसने सर्वप्रथम अपनी ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक आविष्कारों, चिकित्सा आदि संबंधी जानकारियों को एकत्रित करना आरंभ कर दिया। कंप्यूटर में जानकारियों को एकत्रित करने से उनके नष्ट होने का भय जाता रहा, उनका संरक्षण करना अब आसान हो गया। ऐसा करने से लोगों को महत्वपूर्ण और अधिक से अधिक जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकती थी। इंटरनेट के आविष्कार ने इस समस्या का समाधान भी कर दिया। कंप्यूटर के आविष्कार से पहले मनुष्य अपने कार्यों को करने के लिए बड़ी जटिलता से गुजरना पड़ता था। वह अपने पत्र और अपने कार्यों को टाइपराइटर के माध्यम से करता था। इससे उसका समय नष्ट होता था। टाइपराइटर में गलतियों की संभावना भी बनी रहती थी। इससे कागज भी अधिक बर्बाद होते थे। समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं से संबंधित क्षेत्रों में तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, परंतु कंप्यूटर के आविष्कार से इन क्षेत्रों में जो क्रांति आई वो काबिले तारीफ है। कंप्यूटर के माध्यम से डिजाइनिंग और छपाई को एक नया रूप मिला। वर्तमान समय की पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में जो बदलाव आया है वो भी कंप्यूटर की ही देन है। कंप्यूटर के आविष्कार के साथ ही कई नए कार्य क्षेत्रों का जन्म हुआ, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। आज कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में अपना स्थान बना चुका है। विभिन्न स्थानों जैसे हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय, बैंक, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, अस्पतालों आदि में कंप्यूटर अपनी विशेष पहचान बना चुके हैं। इनके बिना इन क्षेत्रों में होने वाले कार्यों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक विद्यार्थी के लिए तो ये रामबाण औषधि की तरह ही कार्य करता है। पहले विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के लिए पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं तक ही सीमित रहना पड़ता था, जिससे उनका ज्ञान भी सीमित रहता था। कंप्यूटर के माध्यम से उनके अध्ययन क्षेत्र में विस्तृतता आई है। अब उन्हें एक ही विषय से संबंधित ढेरों जानकारियां एक क्लिक पर ही उपलब्ध हो जाती हैं। उनका ज्ञान क्षेत्र अब सीमित दायरों से निकलकर विशाल समुद्र की तरह हो गया है। कंप्यूटर के इतने सारे गुणों को देखते हुए मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग कंप्यूटर बन गया है। कंप्यूटर के लाभ हैं तो हानियां भी कम नहीं हैं। यदि कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो सारी जानकारियां नष्ट हो जाती हैं। कुछ आपराधिक लोगों द्वारा तो कई बैंकों या देश की सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से घुसपैठ भी की जाती है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। साइबर क्राइम इसी से जुड़ा माना जाता है। इसके अधिक प्रयोग से सिरदर्द, पीठ दर्द, आँखों संबंधी परेशानी जैसी बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं। विद्यार्थियों और अन्य युवा कंप्यूटर के सामने दिन रात बैठे रहते हैं। अपना कीमती समय वो इसमें गेम खेलने में नष्ट कर देते हैं या चैटिंग करने में भी नष्ट कर देते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। बिजली की खपत भी होती है। बिजली के नहीं होने पर कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं। जब तक बिजली नहीं आती तब तक सारा काम ठप हो जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हर वस्तु के अच्छे और बुरे
दोनों प्रकार के ही पहलू होते हैं। यदि वो हमारे लिए लाभकारी है तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी अवश्य होते हैं। हमें चाहिए उस वस्तु का प्रयोग सोच समझ कर करें ताकि उसका भरपूर लाभ स्वयं को नुकसान पहुंचाए बिना उठाया जा सके। धन्यवाद।